सलाम वालेकुम, मैं हूँ सर अहसन अब्दुल्ला पटेल, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर 5, एक्सरसाइज 5.3, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का टॉपिक चल रहा था, कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें फंक्शन जो दिया गया था, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला विद द हेल्प ऑफ डिफ्रेंसिएशन, दैट इज पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन। ये सारी बातें मैं आपको चैप्टर 4 में समझा चुका हूँ। साइन का डेरिवेटिव कॉस आया, ई का एज इट इज आया, इन दोनों में ई एक्स कॉमन है, बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोबारा से यू इंटू वी का रूल लगेगा, दैट इज़ यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। ये यू होता है, ये वी होता है, पहला वाला यू, अगला वाला वी। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, जबकि ई का डेरिवेटिव ई आता है, ई यहाँ भी ई वहाँ भी, कॉमन आ गया। तो हम देख सकते हैं कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, जब साइन से साइन कैंसिल हो गया तो कॉस प्लस कॉस कितना हो जाएगा, टू कॉस हो जाएगा। उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था उसको हम जीरो पुट करते हैं। हमने इसको जीरो पुट किया तो पहला फंक्शन इक्वल टू जीरो, दूसरा फंक्शन इक्वल टू जीरो। ई को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड एल एन लगाया जाता है, एल एन ई ख़त्म हो गया, एल एन ई ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा एक्स। और एल एन जीरो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी पे वैल्यू एग्जिस्ट करती नहीं है जनाब। उसके बाद कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो है, साइन एक्स इधर जाके माइनस हो गया, तो इधर लाके डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन, टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन करेंगे तो यहाँ से दो आंसर आएंगे, एक आएगा माइनस पाई बाय फोर और दूसरा आंसर हम खुद निकालेंगे कि टेन का आंसर अगर एक थीटा है तो अगला पाई प्लस थीटा होता है, क्योंकि टेन पाई प्लस थीटा और टेन थीटा दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो एक आंसर कैलकुलेटर ने दिया, दूसरा हमने खुद निकाला पाई प्लस करके। जब दो आंसर्स आ गए तो जाहिर सी बात है हम कहाँ रखेंगे, डबल डेरिवेटिव में रखेंगे। डबल डेरिवेटिव में रखने के बाद हम ये देखेंगे कि अगर वैल्यू, ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में रखी, याद रखिएगा कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियंस, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन मिनिमम होगा, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। पिछली वीडियो में आपको बेहतरीन तरीक़े से मैं समझा चुका हूँ थ्योरी। जब तो ये कन्फर्म हो जाए कि मैक्सिमा है या मिनिमा, तो फिर उसको आप मेन फंक्शन में पुट कर दें, एक्स की जगह पर माइनस पाई बाय फोर आ जाएगा और वाई की जगह पर एक्स की जगह माइनस पाई बाय फोर आएगा एक दफ़ा, और एक दफ़ा थ्री पाई बाय फोर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 2e की पावर x प्लस e की पावर -x। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट वही है कि पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो e का डेरिवेटिव e आएगा, e का डेरिवेटिव e आएगा बराबर में पावर का डेरिवेटिव। फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे उसी मेथड से, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट किया जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जब जीरो किया तो ये माइनस से उधर जाके प्लस हो गया, पावर माइनस में अपॉन में ले गए, ये ई एक्स उधर जाके ई एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टू इधर मल्टीप्लाई है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया ई टू एक्स। ई को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड एल एन लगाया जाता है, तो एल एन ई ख़त्म हो जाता है, टू एक्स बच गया, सिर्फ टू एक्स बच गया, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ ले जाकर डिवाइड कर दें, एल एन हाफ कैलकुलेटर से निकलेगा। जो भी एक्स की वैल्यू आई है कहाँ पुट की जाएगी, डबल डेरिवेटिव में पुट की जाएगी। डबल डेरिवेटिव जो निकाला था हमने, एक्स की जगह पर हमने ये वैल्यू डाल दी, जब ये वैल्यू डाली तो ये हमने कैलकुलेटर से निकाला 11.2828। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब फंक्शन मिनिमम होगा। तो अब जो भी एक्स की वैल्यू आई है उसको हम पुट कर देंगे आपका अल्लाह वाला करें मेन फंक्शन में, जो मेन फंक्शन था उसके अंदर हमने वैल्यू को पुट कर दिया, तो आप देख सकते हैं आंसर आ गया 2.828, जिसको हम मिनिमम बोलेंगे। अगर इसका ग्राफ आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू बनाएं तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट इसका मिनिमम ही है, ये टूवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसमें मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, एल एन एक्स अपॉन एक्स, पेपर में एक्स अपॉन एल एन एक्स भी काफ़ी बार आ चुका है पास पेपर्स में। अच्छा जी, तो हमें फॉर्मूला पता है, माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू,
होल डिवाइड बाय वी का स्क्वायर। तो जनाब एक्स का डेरिवेटिव 1 आया, एल एन एक्स का 1/x आया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बच गया फर्स्ट डेरिवेटिव। उसके बाद हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी होल डिवाइड बाय वी स्क्वायर। तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/x और एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया, बचेगा माइनस एक्स, और ये 2x यहाँ पर लाके हमने लिख दिया। उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यूज में हमने ये सीखा है, बार बार बता रहा हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं एक्स निकालने के लिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को मैंने 0 रखा, ये उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया। अब एल एन को ख़त्म करने के लिए ई लगाया जाता है बोथ साइड। अब ई और एल एन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर जब ई लगाएंगे तो ई की पावर 1 हो जाएगा, तो एक्स का आंसर आ गया ई के बराबर। ये अब हम पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव में, क्योंकि हमें चेक करना होता है मिनिमम है या मैक्सिमम। तो हमने क्या किया, एक्स की जगह पर ई डाल दिया, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ हमने ई डाल दिया। तो बेटा एल एन ई होता है 1, 1 - 1 हो जाएगा 0, अपॉन में ई पावर 4 हो गया, कैंसिल होके बचेगा -1/e³। माइनस में लेस देन 0 हो गया मतलब मैक्सिमम होगा। तो अब हम मैक्सिमा की हेडिंग डालेंगे और एक्स की जो भी वैल्यू है हमारे पास ये हम डाल देंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या था हमारे पास, एल एन एक्स अपॉन एक्स। तो जनाब एल एन एक्स अपॉन एक्स होने के लिए यहाँ पर गलत लिख दिया है, ये हो जाएगा एल एन ई अपॉन ई, एल एन ई हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा 1/e। ठीक है जनाब, तो उम्मीद करता हूँ एक्सट्रीम वैल्यूज आपको समझ में आया होगा। 4 वर्ड प्रॉब्लम्स रह गए हैं, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करते हैं पूरा करने की।